हाजिर हूँ देहरादून की एक और वीडियो के साथ। गर्मियों में ये जगह बहुत ही अट्रैक्ट करती है और यहाँ पर बहुत सारी धाराएं बहती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद मानी पर। चलिए मेरे साथ मिलकर देखिए सहस्त्र धारा। अभी जहाँ मैं रह रही हूँ वो जगह है घंटाघर। तो घंटाघर से सहस्त्र धारा की दूरी है 16 किलोमीटर। तो हमने तो रेंट पर 3 दिन के लिए देहरादून में स्कूटी ले रखी है, क्योंकि हम स्कूटी से ही हर जगह घूम रहे हैं। अपना गूगल मैप फॉलो किया और हम निकल पड़ते हैं। और हमें जो स्कूटी का रेंट पड़ा है वो पर डे 600 का पड़ा है। तो आप भी स्कूटी रेंट पर ले सकते हो। आपको रोपवे टिकट काउंटर मिलेगा। तो हम सोच रहे हैं पहले रोपवे से ऊपर हो आते हैं, ऊपर का व्यू देख आते हैं, उसके बाद हम नीचे का पूरा जो मंदिर वगैरह है वो विजिट करेंगे। तो अभी भीड़ नहीं है तो टिकट वगैरह इजीली मिल गई है यहाँ टिकट काउंटर से, जिसका पर पर्सन 200 रुपीज़ टिकट चार्ज है। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं रोपवे की तरफ और वहाँ से देखते हैं ब्यूटीफुल नज़ारे। जितनी ताबड़तोड़ देहरादून में बारिश होती है उतनी ही तेज़ यहाँ पर धूप पड़ रही है। ये है हमारी टिकट और ये है वेटिंग एरिया। और सबसे अच्छा ये धीरे धीरे चल रही है, अच्छा लग रहा है, डर भी लग रहा है। यहाँ पर बच्चों के प्राइवेट पूल भी हैं। अगर आप लोग आते हो इस जगह को विजिट करने के लिए तो आपसे प्लीज अनुरोध है ये अपनी निशानियां ना छोड़ें। जगह जगह कई लोग अपने नाम लिख लिख के चल जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ये फैसिलिटी हमारे लिए ही है कि हम इस जगह को आए और साफ सुथरा रखें और अच्छे से रखें। तो प्लीज ये सब बच्चों जैसी हरकतें ना करें। जैसा कि मैंने और वीडियो में भी देखा था कि रोपवे बीच में रुक जाती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, ऐसे हमारी भी रुक गई है ये। तो ये व्यू दिखाने के लिए शायद रोक देते हैं। बहुत ही सुंदर गार्डन बना रखा है ऊपर और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पर खेलने के, तो बच्चे अच्छे से एंजॉय करेंगे यहाँ पर। यहाँ से देखिए आप व्यू सामने सहस्त्र धारा का। ऊपर आने पर काफ़ी सारी हरियाली फील होती है, बहुत ही हरा भरा लगता है इधर से। बस धूप बहुत ज़्यादा है अभी। ये पहन गए हम, ये पहन गए।
और ये हम बैठ गए हैं झूले पे और हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और गिरी को आ रही है फिर से नींद, क्योंकि जैसे धूप में हमारे हस्बैंड जी आते हैं तो इनको नींद आती है। हा हा हा, वाह, इनको आते पहले कोल्ड ड्रिंक चाहिए शर्मा जी को। और यहाँ पर है फूड कोर्ट, आप यहाँ पर खाने पीने का भी ऑप्शन है काफी सारा, नीचे भी है और यहाँ भी है। यहाँ आते हमें सेलेक्ट करना था कोल्ड ड्रिंक वगैरह, स्नैक्स वगैरह, और आगू ने आते ही अपना सेलेक्ट कर लिया है गेम जोन, तो वो एंजॉय कर रहा है यहाँ। अब चलते हैं थोड़ा और ऊपर, स्टेयर्स बनाई हुई है और यहाँ ऊपर आकर के बहुत ही सुंदर है। ये स्टैचू बनाए हुए हैं कुछ पानी खींचते हुए, पानी ले जाते हुए, साथ में छोटा बच्चा। और अगर आपको कश्मीर ड्रेस में फोटोज खिंचवानी है तो उसकी शॉप भी है, ये आपको पूरा ड्रेस वगैरह रेडी करके देंगे सब कुछ, और एंड टू एंड फोटो देंगे। ये फाउंटेन देखो कितना सुंदर लग रहा है, पानी की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, बहुत ही शांति मिलती है इस आवाज़ को सुनते हुए। पूरा नेचुरल पार्क बना रखा है। और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। जा रहे हैं आकू की फेवरेट जगह पर, जहाँ पर वो अब हम ले तो जा रहे हैं उसको, लेकिन यहाँ से ये वापस जाने का नाम ही नहीं लेगा, बहुत रोएगा क्योंकि इसका ये फेवरेट प्लेस है। बच्चे तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे, लेकिन बड़े भी यहाँ पर काफी एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ हमने खाना खाया उसी के पास ही एक टेरिस है, वहाँ से चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, और मुझे यहाँ से सहस धारा भी दिख रही है। सहस धारा मेनली एक नदी है जो गर्मियों में यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं और फ्री वाटर पार्क का लुत्फ़ उठाते हैं। गर्मियों में काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर, और अगर आपको पेड वाटर पार्क चाहिए तो वो भी यहाँ पर है नीचे। जैसे जैसे ये बिल्कुल मिडिल में आ जाता है तब बहुत स्लो हो जाता है और धीरे 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 नीचे पहुंचता है। काफी आपको का फोन बार बार आता है, पता नहीं किससे बात कर रहा है। हेलो, कौन है? नानी। हाँ आकू ठीक है, आकू एंजॉय कर रहा है। ठीक है, अब मैं बात करूँ। काफी सेफ ट्रॉली है तो डरने की कोई बात नहीं है। इसकी बात सुन लेते हैं हम पहले। आते जाते ये सबको हेलो कर रहा है। तो हमने पूरा पार्क अच्छे से विजिट कर लिया है, अब हम नीचे जा रहे हैं सहस धारा की तरफ। तो काफी अच्छी जगह है, आप बच्चों के साथ फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हो, पूरा पार्क अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, और कम से कम यहाँ पर घूमने के लिए आपको 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं। सहस धारा नाम से एक होटल भी है जिसमें AC नॉन AC सारे रूम हैं, जो भी आप लेना चाहो, जो आपको 2000 के आसपास पड़ जाएगा।